हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी जायका विदेशी तड़का। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर हाजिर है फ्रेंड्स आपके सामने एक नवी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, जो कि रमज़ान स्पेशल है, जिसका नाम है कराची के मशहूर चिकन कबाब। तो चलिए, इसे बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है एक नज़र डालते हैं। 150 ग्राम उबले हुए आलू, इसे हमने मैश कर लिया है। तेल फ्राई करने के लिए 150 ग्राम बोनलेस चिकन, इसे हमने नमक और अदरक लहसुन से उबाल लिया था और इसे श्रेड कर लिया है। विनेगर 1 टीस्पून, 2 नींबू का रस, ये विदेशी चाट मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, ये 1 टीस्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 और आधा डेढ़ टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ये धनिया की पत्ती है, इसे हमने चॉप कर लिया है, ये 1 मुट्ठी है, और ये पुदीने की पत्ती है, इसे भी हमने चॉप कर लिया, ये 1/2 मुट्ठी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना हमारा धनिया रहेगा उसका आधा हम पुदीना लेंगे। चिकन मैगी क्यूब आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 अंडा, 1.5 अमूल चीज़, 1 पूरी चीज़ और 1/2, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसका हमने चॉप करके पानी निकाल लिया है, और बिल्कुल उसी तरह टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की टमाटर है, इसे भी हमने चॉप करके इसका भी पानी निकाल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारी ये श्रेडेड चिकन में सारे मसाले ऐड कर देंगे, हमारे मैश्ड आलू, हमने जो ये 1.5 क्यूब अमूल की चीज़ थी इसको ग्रेट कर लिए इस तरह, नींबू का रस, हमारे ये मसाले पाउडर मसाले, मिर्ची नमक स्वाद अनुसार और आमचूर पाउडर, ये हमारा होममेड चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हमारी प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, अब हमारा धनिया और पुदीना, और ये एक मैगी का चिकन मैगी क्यूब, ये ऑप्शनल है, हम इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने हमारा जो ये कबाब का मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसे कबाब का शेप दे देंगे, और करीब 15 से 20 मिनट हम शेप देने के बाद में इसे नीचे फ्रीज में रखेंगे, ताकि ये 15 से 20 मिनट अच्छे से ये फ्रीज़र में रखेंगे आप, तो 5 से 10 मिनट ही रखिएगा, और अगर नहीं नीचे रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो आप इसे करीब 20 मिनट रखिएगा, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए।
आप देख सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी कबाब बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो कबाब है वो रेडी है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स हमने ऑयल को हीट होने रख दिए हैं। अब हम हमारे कबाब को एग में पहले कोट करेंगे। ये एग को हम फेंट लेंगे और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। अब हम हमारे कबाब को एग में कोट करेंगे पहले, इस तरह अच्छे से कोट कर लेंगे। फिर हम हमारे कबाब को इस बटर क्रम में डालेंगे। ये बटर क्रम हमारी हैंडमेड है, होममेड है। ये बटर क्रम हमारी होममेड है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी कबाब को कोट कर लेंगे एग में और बटर क्रम में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने हमारे चारों कबाब को एग में कोट कर लिया है और फिर ब्रेड बटर क्रम्स में। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक साइड से हमारी जो कबाब है वो गोल्डन कलर की हो गई है। अब दूसरी साइड भी हम इसी रंग का उसे कर लेंगे, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे कराची के मशहूर कच्चे कबाब रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल देसी जायका विदेशी तड़का को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू।